A very warm welcome to all my students in my channel. This is your Neha ma'am, and today I am going to teach you a very important topic. What is it? That is conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि मोमेंटम क्या होता है. व्हाट इज मोमेंटम? मैंने मोमेंटम के बारे में आपको बताया है कि मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ है, किसी भी बॉडी के पास कितना मोशन है. दैट इज ऑल अबाउट इट्स मोमेंटम. मीन्स अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसके पास मोमेंटम हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन. न्यूमेरिकली हम मोमेंटम को ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं. इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. तो आप देख सकते हैं अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास मोमेंटम हो, ये जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि मास के साथ साथ उसके पास मोशन का होना भी बहुत जरूरी है. इसका मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट्स के पास मोमेंटम नहीं होता है. तो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट योर मोमेंटम कि मोमेंटम इज वॉट इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो चलिए अब पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. एग्जाम्पल जिसके द्वारा हम इसको प्रूव करने वाले हैं. सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से सपोज करिए ये रुका हुआ है, एट रेस्ट है. अगर ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूविंग है तो अब क्या होगा? देखिए इस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास, इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं. इस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है लेकिन इस रुके हुए ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम नहीं है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोमेंटम का मतलब मेजर ऑफ मोशन. अब ये चलता हुआ ऑब्जेक्ट आएगा और इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को मूव करा देगा. अगर ये ऑब्जेक्ट रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है तो मूव कराने में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या कि ए ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी लूज कर देगा, माने ये थोड़ा सा धीमा हो जाएगा. ए बॉडी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी कोलिजन के बाद और बी बॉडी जो रुकी थी वो चल पड़ेगी. माने बी बॉडी जो रुकी थी तो आप उसको धीमा कह लीजिए, मोमेंटम था ही नहीं, और जब चलने लगी तो इसने मोमेंटम को गेन कर लिया और ये धीमी हुई, मतलब इसने मोमेंटम को लूज कर दिया, है ना. लॉस ऑफ मोमेंटम एंड गेन ऑफ मोमेंटम. अब इसने कितना मोमेंटम लूज किया और इसने कितना मोमेंटम गेन किया, यही चर्चा हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में. ये उतना ही मोमेंटम लूज करता है ये जितना मोमेंटम गेन करता है. सपोज इसके पास 5 केजी मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम था और इसके पास 0 का मोमेंटम था. टकराने के बाद अगर इसका मोमेंटम 4 केजी मीटर पर सेकेंड हो गया तो इसका मोमेंटम 1 केजी मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जितना लूज कर रहा है, ये 1 को लूज कर रहा है तो ये 1 ही गेन करेगा. आप देखेंगे कि कोलिजन से पहले इसके पास कुल मोमेंटम 5 + 0 = 5 केजी मीटर पर सेकेंड का था और कोलिजन के बाद भी इसका टोटल मोमेंटम जो है वो 4 + 1 = 5 केजी मीटर पर सेकेंड ही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि जब सिस्टम में दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है तो एक बॉडी अपना मोमेंटम लूज करता है और दूसरा बॉडी मोमेंटम गेन करता है.
तो किसी बॉडी ने कितना मोमेंटम लूज किया, उतना ही लूज किया जितना अनदर बॉडी ने मोमेंटम गेन किया, और विद इन अ सिस्टम जो टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मींस मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विद इन अ सिस्टम एंड द नेट मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व और कॉन्स्टेंट। तो अब हम इसी को प्रूव करने जा रहे हैं। आपने क्या देखा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। माने हमको प्रूफ क्या करना है, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करना चाहते हैं तो हमको प्रूव करना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही हमको प्रूव करना है। और प्रूव कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सपोज करिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का नाम ए है, और ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का नाम बी है। मान ले कि इनिशियली ये बॉडी u1 वेलोसिटी से चल रही थी और इनिशियली ये बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक। बिफोर कोलिजन की स्थिति है ये, अभी कोलिजन नहीं हुआ है। अच्छा, कोलिजन तभी होगा जब ए बॉडी की वेलोसिटी बी बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर ये धीमा चलेगा ये तेज चलेगा तो कोलिजन तो कभी होगा ही नहीं। कोलिजन होने के लिए इसको तेज और इसको धीमा चलना पड़ेगा। माने कोलिजन के लिए u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी शुड बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी। मान ले इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब आप देखिए बिफोर कोलिजन ए बॉडी के पास कुल मोमेंटम कितना है, m1 u1 है, और बिफोर कोलिजन बी बॉडी के पास कुल मोमेंटम m2 u2 है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमको सिद्ध करना है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमको ये प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन, वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखिए ए बॉडी बी बॉडी इनिशियल u1 u2 से चल रहे थे और इन दोनों में कोलिजन हो गया। ये देखिए ए बॉडी ये बी बॉडी इन दोनों में कोलिजन हो गया, ये हो गया कोलिजन। अच्छा कोलिजन हुआ तो ए बॉडी ने बी बॉडी पर फोर्स लगाया होगा और बी बॉडी ने ए बॉडी पर फोर्स लगाया होगा। हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मींस ए ने बी बॉडी पर जितना भी फोर्स लगाया है, मान लीजिए दैट इज एफ ए, इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू एफ बी, राइट। यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। हम कोलिजन के दौरान इस बात का ख्याल रखेंगे कि ए ने अगर बी को एफ फोर्स से ढकेला है तो उतने ही फोर्स से बी ने ए को भी ढकेला होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट को हम निगेटिव से डिनोट करते हैं। अब एम वन और एम टू मास का कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद ए बॉडी और बी बॉडी ने कुछ मोमेंटम लूज या गेन किया होगा। तो मान लीजिए अब ये कोलिजन के बाद वी वन और ये वी टू वेलोसिटी से चलने लग गए, ये एम वन बॉडी ये एम टू बॉडी। कोलिजन के बाद एक नई वेलोसिटी इनको मिल जाएगी और वो नई वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माने वी वन और वी टू होगी। तो देखिए कोलिजन के बाद इसकी टोटल मोमेंटम हो गया एम वन वी वन और इसका टोटल मोमेंटम हो गया एम टू वी टू। हमको यही प्रूव करना है कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। कैसे प्रूव करेंगे इसको, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, बहुत आसान सा तरीका है। हमको अपने न्यूटन के तीनों लॉज में से दो लॉज को ध्यान से सोचना है। हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है एफ इज प्रपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है,
कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चलिए हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन। बहुत आसान है, कोलिजन से पहले ए बॉडी के पास कितना मोमेंटम था? एम वन यू वन था। अब मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, हम ए की ही बात करने जा रहे हैं लेकिन आफ्टर कोलिजन। जब कोलिजन हो गया तो बॉडी ए के पास कितना मोमेंटम हो गया? एम वन वी वन। मास इनटू वेलोसिटी इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। बिफोर कोलिजन एम वन यू वन, आफ्टर कोलिजन एम वन वी वन। तो ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, डेल्टा पी ए, डेल्टा माने चेंज इन, पी ए माने मोमेंटम। ए बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया? फाइनल मोमेंटम एम वन वी वन माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वन यू वन, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एफ बाय ए क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी ए अपॉन टी। चलिए ए बॉडी पर कितना फोर्स लगा, ए बॉडी पर कितना फोर्स लगा बी के द्वारा, दैट इज एफ ए। तो ए बॉडी पर बी के द्वारा कितना फोर्स लगा? जितना भी फोर्स लगा होगा उसकी वजह से हमारे बी ए बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम अभी हमने निकाला है एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन टी, दिस इज एफ ए, एफ ए मिल गया। इसी तरीके से हम एफ बी भी निकाल लेते हैं। एफ बी निकालने के लिए हम क्या करें? सेम कॉन्सेप्ट, कैन यू सी दिस बोर्ड ओवर हियर, सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं अपने ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, अब बी बॉडी के लिए हम निकालने जा रहे हैं। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा? बिफोर कोलिजन हो जाएगा, ये देखिए एम टू यू टू, एम टू यू टू। आफ्टर कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन के बाद हो गया एम टू वी टू। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बी बॉडी का? चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी बी व्हेन ए बॉडी कोलाइड्स विद इट। तो अब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ फिर से लगा दें, फोर्स ऑन बी बाय ए विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी अपॉन टाइम। तो बी बॉडी के चेंज इन मोमेंटम हो गया एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू अपॉन टी। भाई टाइम तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि जितनी देर तक ए ने बी पर फोर्स लगाया है उतनी ही देर तक तो बी ने ए को फोर्स लगाया है। ये हो गया फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब आप आ जाइए कोलिजन की स्थिति पर। हमने आपसे बताया था कि जब कोलिजन हो रहा होगा तो बी ने ए को जितनी फोर्स से धक्का दिया होगा उतनी ही फोर्स से बी ने ए को धक्का दिया होगा, लेकिन ऑपोजिट। तो एफ ए इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू एफ बी। अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ पर आ जाएंगे, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमने क्या किया, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी कर दिया। अब देखिए एफ ए हमारा कितना आया था, एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन टी, और एफ बी कितना था, माइनस ऑफ एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू अपॉन टी। ठीक, यहां से टी टी कैंसिल हो गया। अब हमको मिला एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस और ये
माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं एम टू यू टू माइनस एम टू वी टू। अब यू वन यू टू एक साथ कर लीजिए, वी वन वी टू एक साथ कर लीजिए। ये देखिए यू वन है, इसको इधर ले जाइए, और ये देखिए वी टू है, इसको इधर ले आइए। तो देखिए हो जाएगा एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू इधर आएगा, प्लस एम टू वी टू हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस एम वन यू वन इधर आएगा, हो जाएगा एम वन यू वन प्लस में और एम टू वी टू लिखा ही हुआ। तो अब आप देखिए एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ये है टोटल मोमेंटम, ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, राइट। और ये देखिए एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही तो हमको प्रूफ करना था, हमको क्या प्रूफ करना था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड हेंस इट इज प्रूफ्ड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रूफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जरूर आना चाहिए, और कंजर्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट से लगाने जा रहे हैं। तो बेटर यू प्रैक्टिस हाउ टू सॉल्व कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डू इट इनडिपेंडेंटली इन योर कॉपी विदाउट एनी हेल्प। बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है बेहद आसान तरीकों के साथ। थैंक यू सो मच।